नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है मैक वन टेक वन, जो आपको समय समय पर टेक्नोलॉजिकल और मैकेनिकल एस्पेक्ट्स की जानकारी देता रहता है। फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं कॉम्पैक्ट डोर गार्ड्स की, जो कि गाड़ी के दरवाज़ों पर लगाए जाते हैं। जहाँ तक कलर्स का प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आइटम आपको ब्लैक, वाइट और सिल्वर कलर में अवेलेबल होगी। जहाँ तक इनके प्राइस का सवाल है फ्रेंड्स, ये मार्केट में आपको आसानी से 100 रुपीज़ से लेकर 200 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएंगे। कंपनी ने इसके फीचर्स और इंस्ट्रक्शंस इसकी बैक साइड पर दिए गए हैं बैकिंग के, जिसको पढ़कर आप आसानी से इसको खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। इनडोर गार्ड्स को फ्रेंड्स लगाने का तरीका बताते हुए कंपनी ने लिखा है कि फॉर द बेस्ट रिजल्ट क्लीन सरफेस प्रायर टू एप्लीकेशन एंड मेक श्योर सर्फेसिज आर ड्राई एंड डस्ट फ्री। यानी डोर के जिस भी स्थान पर आपने इसको लगाना है, आमतौर पे फ्रेंड्स ये बॉर्डर पे ही लगाए जाते हैं डोर्स के। अभी आपको इसका लाइव डेमो भी दिया जाएगा ये किस प्रकार लगाने हैं, तो उनको आपने ये ध्यान रखना है कि वो पर्टिकुलर एरिया जो है ड्राई हो, यानी सूखा हो, और उसमें किसी प्रकार के धूल कण ना हो। और उसके बाद फ्रेंड्स, इसके पीछे एक फिल्म होती है, जो कि एक टेपिंग होती है, एडहेसिव टेपिंग होती है वो, तो उसको आपने रिमूव करके ये डोर गार्ड्स को अपने डिज़ायर्ड एरिया पे इंस्टॉल करना है। ये फ्रेंड्स जल्दी से अनबॉक्स करके देखें कि हमारे ये डोर गार्ड्स किस प्रकार दिखते हैं। ये टू पेयर्स में आते हैं फ्रेंड्स आमतौर पर। ये फ्रेंड्स इसकी बैक साइड पर ये टेपिंग होती है, जो कि सेल्फ एडहेसिव होती है। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं इस न्यू डोर गार्ड को अपने गाड़ी के डोर पर यहाँ लगाऊंगा, जहाँ पे मेरा पहला लगा हुआ था। लेकिन इस न्यू वन को लगाने से पहले मुझे जो पुराने डोर गार्ड की टेप की रिमेनिंग्स हैं, इसको निकालना होगा, ताकि ये सरफेस पूरा क्लीन हो जाए और उसके बाद ही इसको अप्लाई करना ठीक रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस ब्लेड के माध्यम से मैं ज़रा तरीके के साथ पुरानी टेपिंग्स को, जो ये रिमेनिंग्स हैं, इसको निकालूंगा। और ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि गाड़ी का पेंट ना उतरने पाए। बिल्कुल सावधानी के साथ आप पहले इसकी पुरानी टेपिंग्स निकालें, ताकि सरफेस पूरा क्लीन हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, जितना मैक्सिमम क्लियर हो सकता था उतना क्लियर कर दिया गया है, और इस जगह पर ये न्यू डोर गार्ड लगाया जाएगा। न्यू डोर गार्ड लगाने के लिए फ्रेंड्स, इसकी हमें टेप की कवरिंग उतारनी होगी, जो ये रेड वाली है। और ये रेड वाली कवरिंग उतारने के बाद इसके नीचे जो टेप होगी, उसके सहारे हम ये डोर गार्ड को ऐसे इंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा प्रेस करके इस डोर गार्ड को उसकी इनबिल्ट टेपिंग के सहारे इस हमारे गाड़ी के डोर पर इंस्टॉल कर दिया है, और ये अच्छी प्रकार से फिट हो गया है। इस प्रकार फ्रेंड्स, काफ़ी आसानी के साथ आप डोर गार्ड्स को खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने कॉम्पैक्ट डोर गार्ड की अनबॉक्सिंग की और इसको लगाने का सही ढंग जाना। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है मैक वन टेक वन।
थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट. हैव अ गुड डे.